नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। होंठों के फटने की समस्या तो एक आम बात है, ये तो आप सब जानते हैं कि हमारे होंठों की त्वचा शरीर के किसी भी दूसरे भाग की तुलना में बहुत ज्यादा पतली और संवेदनशील होती है। ठंडी हवाओं और मौसम के बदलने से होंठों की नमी कहीं खो सी जाती है और वो फटने लगती है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने होंठों का अच्छी तरह से ख्याल रखें ताकि वो हमेशा कोमल, मुलायम और खूबसूरत बने रहें। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि होंठों की देखभाल कैसे करना है, ये जानना बहुत जरूरी है कि होंठ फटने के कारण आखिर क्या है। मौसम बदलने के साथ ही हमारी कुछ आदतें भी इस परेशानी के लिए जिम्मेदार हैं। जो लोग अपने होंठ चबाते हैं, बार बार होंठों पर जीभ फेरते हैं या कम पानी पीते हैं, उन्हें भी इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। वहीं सस्ते और घटिया किस्म के रासायनिक उत्पादों के इस्तेमाल से भी होंठ फटने लग जाते हैं। होंठ फटने का एक दूसरा कारण हार्मोन्स का असंतुलित होना भी हो सकता है। अगर आपके होंठ फट रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में नमी की कमी है। बाहरी तौर पर आप चाहे तो कुछ भी लगा लें, लेकिन जब तक अंदरूनी नमी नहीं रहेगी कोई फायदा नहीं होगा। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। सर्दियों में भी कोशिश करें कि रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। होंठ सूख रहे हो तो उन पर जीभ फेरने की गलती बिल्कुल ना करें। वहीं आपको बता दें कि आप जो भी उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो उच्च गुणवत्ता वाला ही होना चाहिए। आप चाहें तो बादाम के तेल या फिर जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार होंठों का फटना पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी और आयरन की कमी है तो होंठों के सूखेपन बढ़ने लगते हैं। ऐसे में होंठों के किनारे फटने का कारण आयरन की कमी है, जिसका अंदाजा अमूमन लोग नहीं लगा पाते, इसलिए खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को हमेशा चेक करवाते रहें। वहीं उंगली में थोड़ा सा देसी घी लेकर आप होंठ पर हल्के हल्के रोजाना एक बार मसाज जरूर करें। इससे रक्त संचार बढ़ेगा और होंठों के फटने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।